पता नहीं अब चैनल को क्या हो गया है एकदम से, जब से मैं डेड हुई जब से चैनल डेड हो गया। हेलो दोस्तों, राम राम सभी का। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे भगवान की दया से। और सुबह सुबह अब तो भाई इतनी तेज धूप निकलती है, मतलब बहुत अच्छी। सूर्य का बिल्कुल सुबह सुबह 7 बजे तो बिल्कुल प्रकाश फैल जाता है। तो अब ठंड तो पड़ती नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया। और इधर को आज तो थोड़ी सी खियारी पड़ी, मतलब ये ओढ़े ओढ़े पड़े थे न 2-3 दिन तक, तो उसकी खियारी पड़ी था। आज पड़ी थोड़ी थोड़ी सी, तो इधर को चूल्हे पर राजेश जी और जी जी से ताप रहे। इनको इतनी सर्दी लग रही और लौट के बैठे हुए। फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज एक का टाइम हो गया और नहाई धोई करके फ्री है। और आज तो मैं कम से कम 20 दिन ऊपर आई हूँ, तो मतलब रूम की ये हालत हो रही थी। देखते इतना गुस्सा रहा राजेश जी पर बहुत ज्यादा, क्योंकि हक नहीं ना कुटा करते। देखो बिल्कुल पूरे रूम में इतना कचरा कर रखा है, अंबर अंबर गुटके गुटके। तो अभी भाई रूम की सफाई करनी पड़ेगी, क्या करें, इनको तो यही काम होता है। मेरे को तो बिल्कुल भी कचरा तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि रोज सफाई करती थी ना, जब भी रोज लड़ाई लड़ती थी मैंने, आप अंबर पन्नी बनते मेरे को, यहाँ कुछ भी खाते थे थूकने देती नहीं, पन्नी अन्नी बिल्कुल नहीं पटक देती, एक साइड पटक नहीं देती पन्नी में कुछ भी, फिर इकट्ठे करके फिर नीचे ले जाके फिर आग लगा देते। तो 15-20 दिनों में कोई डांटने वाला था नहीं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल कमरे की। और जो तो झाड़ू काटती 2-3 दिन नहीं हुए झाड़ू निकाले। क्या करें भाई, सफाई करेंगे। हमारी दीदी को जी भी रहो घर के काम से टाइम नहीं मिलती बेचारे को, उनको इतनी फुर्सत है नहीं, जब ऊपर नीचे सब जगह झाड़ू निकाल के सब जगह देख संभाल सके भाई, साफ सफाई सब जगह कर सके। उनको तो घर के घर में ही बहुत सारा काम होता है, गाँव में तो भैंस डोरों का, घर का काम। और हमारे ससुरे जी की तबीयत खराब है, तो जी 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 को 2-3 घंटे सुबह ही बिगड़ जाते हैं, उनके कपड़े धोने में, उनकी सफाई रूम की, मतलब और में सोते हैं तो वहाँ उनकी सफाई करने में, रिन में कर ली रूम की सफाई। और मतलब रूम की ये हालत कर रखी थी बहुत ही खराब, मेरे को तो समझ में नहीं आता है करते क्या है, भगवान को कचरा कैसे पसंद आ जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तरीका से, बिल्कुल अमर अमर और तो कुछ भी नहीं कचरा। और इधर को कानों को खिला रहे, कानों खेल रही, हमारे रूम की सफाई होता है, हमारे कानों आ गए ऊपर। कानों ये देखो है हमारे बच्चे। क्या हेलो बेटा, आए करो। हेलो 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 हेलो। कानों बाढ़ कैसे हो रहा है? और देख नहीं नहीं आज कानू नाली, मैं नहीं नया कानू तो नाली, मैं नहीं नया आज अभी तक। कभी कब नाली कानू? क्या सो के सो गया था, सुबह उठ के खाना खा के और फिर सो गया। अभी उठा हम 12 बज गए और अब नहा धोई करेंगे हम, है ना बेटा। हमारे कानों कानू के तो इतने ना लेती बड़े है सुबह। बाड़ है, मतलब बाड़ ही ऐसे लगते हैं। आजा 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 आजा। क्या? बहुत अच्छी लड़की है भाई। तो और सब कैसे हो आप सब लोग? आज कुछ नहीं। सब लोग तो अच्छे पर आप ही आपको राम खराब राम सभी को, कैसे हो आप सब लोग? तो स्नान स्नान हो गया, नया धोई करके और फ्री है। और आज तो रूम की भी सफाई करी है मनीषा ने, लेकिन पहले तो क्या लड़ाई झगड़ा किया है, और झगड़ा वगड़ा करके और फिर साफ किया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया एकदम से, देख सकते हो, जमा दिया, झाड़ू वाड़ू निकाल दिया। क्या 2-3 दिन से मतलब झाड़ू नहीं निकाला था, मैंने भूल गई। और मैं भी आके सो जाता हूँ दिन में, शाम को और सुबह उठ के चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है। तो पहले तो खूब झगड़ा हुआ और फिर बाद में फिर साफ सफाई करके फिर वीडियो बनाई। तो भाई चाय वाय बन चुकी है, हिम कहीं कर रही?
पालक तो इसका मतलब कड़ी का विचार है। इधर बहन जी चाय बनाने में लगी हुई है और हमारी चाय पहले ही बन चुकी है। कप ढूंढा नहीं है आज, देख लो आप। ये मतलब निकाल लियो। और हमारी तो फीकी थी इसलिए पहले ही निकाली हमने। ढूंढा आज भी ढूंढे। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको कप दिखाता हूँ, देख जाके रूम में देखो। एक मिनट रुको, तो मैं दिखाता हूँ, देखो आपको कप कहाँ रखे हुए मतलब हमारे यहाँ। हेमा ये कांच वाली अलमारी में कहीं ते नीचे या छोटो सो लॉक है जी में। ये देखो साहब, देखो जी कितने सारे कप रखे हुए हैं मतलब, पर बाहर नहीं निकालते। मैंने जो सिचुएशन थी आपको बताई थी, ये तो यहाँ पर है नीचे, और कप को देखो अलमारी में, वो भी लॉक लगा के और फिर रख रखे हैं। लेकिन हमारे क्या है, छोटी छोटी बच्ची है ना, वो आती है और सबको फोड़ जाती है, इसलिए नहीं निकालते। और इधर रसोई भरी हुई है डूंडे कपों से फुल। लेकिन अच्छे तो नहीं है, लेकिन क्या करें, रोज की रोज कहाँ तक निकाले। अब देखो ये बहन जी डूंडे में पीने लायक ही, ये डूंडे में पीने लायक है, अब क्या करें। कह रही है तो पीती नहीं है, मैंने सब खाना वाना बन चुका है और भूख भी लग रही है बहुत तेज। तो और आज हमारे एक नया मेहमान आया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बड़ी नीतू है भाई, और जो हमारी कानू है वो छोटी नीतू है। ये पहले हमारे पास ही रहती थी, हमारी भांजी है, हमारी बुआ की पोती है। ये छोटी सी लेके आए थे इसको, इतनी सी, 1.5 साल की आई होगी हमें, 1.5 साल की। डेढ़ साल की लेकर आए थे, तो मतलब अभी इसको 1.5 महीने में आई है वापिस। दो नहीं, 3-4 महीने हो गया ही भैया ना, 3-4 महीने राखी पाछे गई थी इसके गांव, अब आई है। नहीं तो मनम को नहीं हमारी, तो खाना वाना हो चुका है और भैया जी ट्रैक्टर लेके पधार चुके हैं, और अब खाना वाना खिला दो भाई। नीतू, ओए बेटा एक बात बता, तो मनम को ना है हमारी। हेलो बोल, हेलो हेलो बोल, हेलो बोल। अभी शर्मा आ रही है भाई, ये बनियान तैर रही मारी। कौन तेज का मार, कौन ही तो ऐसा। फिर खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं, खाना खा पी के, और फिर ये सभी घर वाले सभी आराम कर रहे हैं। अब 7-8 का टाइम हो गया, और आज तो खुशी का बात ये है कि आज हमारी नीतू आ गई भाई। कम से कम कितने महीने में आई नीतू? 4 महीने हमारी नीतू आज 4 महीने भाई, तो मतलब बहुत अच्छा लगा नीतू से मिलकर। याद आती थी रोज शाम की खाना खा के बैठते, तो इसी बात चलाते। मतलब इसको 12 महीने के लेके आए थे, 1.5 साल की लेके आए, 12.5 साल की। तो राजेश जी बोल रहे मतलब इसको जब तक मैं ताई नहीं थी ससुराल, पर राजेश जी बोल रहे मतलब तीसरी छोटी सी को लेके आए कोर्ट में दुआ के लेके आए, जो भी क्या है नहीं तो आप वो चाचा जी कोर्ट में दुआ के लेके। तो आज हमारे नीतू आ गई 3-4 महीने बाद, क्योंकि इनकी पढ़ाई चल रही थी इसलिए बीच में लेके नहीं आए थे। माई एडमिशन करा रखा है इनका, तो अब क्या लावणी आवणी टाइम तो हमारी छोटी नीतू रखेगी वही, और लावणी में सभी आदमी बिजी रहेंगे, तब यही इनकी ड्यूटी रही। बदमाश बहुत है, ये चली गई थी तो इन्हीं के नाम, तो फिर हमने उसका नाम नीतू रख दिया, छोटी नीतू। बड़ी नीतू तो यही थी।
और बदमाश बहुत है लेकिन ये बदमाश इतने है कि आते ही मतलब पूरे रूम को छान दिया एक तरह से, बिल्कुल चारों तरफ से, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, बहुत बदमाश है बेटा। थर मम्मी ये किस रखे तुम? बढ़िया रखे, अभी क्या शर्मा रही है इसको पता नहीं है। इसके पीछे से हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो ये ना यहाँ पर थी तब ब्लॉग नहीं बनाते थे, अब उसके बाद अभी मोबाइल के लिए जबरदस्ती कर रही है। तो आप सब लोग कैसे हो? और गाइज प्लीज आज पता नहीं क्या हो रहा है चैनल को, मतलब ना तो व्यूज आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, एकदम से डेढ़ सा हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप सभी से आप जोड़ के लगे देना, आप सपोर्ट कीजिए। और आज तो मनीषा जी भी ऊपर आ गई मतलब रूम में तो ये भी तो बोलती चाची ऊपर चलो रूम में, फिर मैंने बेटा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को रूम में से निकाल दिया। अब यहीं नीतू भी यहीं रहेगी, हमने तो यही रहेगी नीतू भी। और बोलो ना शर्मा रही आज तो, आज आज तो शर्माएगी, कल से बनाएगी ब्लॉग स्पेशल ये कल से तो मतलब किसी की बात सुनने तो कोपर करवाए सच्ची, मतलब हमारी लड़की मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, किसी को अच्छी बात हो तो बिल्कुल सही कहती है ना नीतू तो आज के लिए बस इतना ही, बोलो इधर देखो ना मोबाइल तरफ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे उसके लिए आप लोग तो चैनल को क्या हो गया एकदम से, जब से मैं डेड हुई जब से चैनल डेड हो गया तो बिल्कुल तो व्यूज आ रहे और नए सब्सक्राइबर भी नहीं बहुत कम बढ़ रहे, और मतलब क्या पता नहीं क्या हो गया, मतलब बिल्कुल चैनल नीचे करता जा रहा था। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करें ताकि आगे बढ़े और हमारा चैनल फिर से ऊपर आए। अभी क्या जीरो लेवल पर गया तो ऊपर आए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।